अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। आज की वीडियो में आपको मेट के मुतालिक बताऊंगा, जो कि वीएस कोड में एक एक्सटेंशन है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, जिसको यूज करते हुए आप अपना एचटीएमएल का कोड बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर VS Code को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन किया हुआ है और मैं इस एक्सटेंशन के मतलब बात कर रहा हूँ, मेट। ये बेसिकली एक्सटेंशन एक है जो VS Code में बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है, ओके, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। यहाँ पर मैं index.html क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पर बेसिक HTML को ऐड कर लूंगा। यहाँ पर बेसिकली ये जो शॉर्टकट हम अभी तक यूज करते आए हैं, ये इटसेल्फ अमिट का शॉर्टकट है और आप यहां से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अमिट एब्रीवेशन, और इसका जो स्केलेटन ये ऐड करता है वो ये वाला है। एंटर करता हूं और आप देख सकते हैं कि ये स्केलेटन यहां पर ऐड हो चुका है। अब हमारे पास अमिट में काफी ज्यादा शॉर्टकट्स अवेलेबल है, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है जिसमें हम टैग का, जो भी टैग हमने लिखना होता है उसका नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने से पहले बेसिकली ये ऑटो कंप्लीट में आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ये बता रहा है कि इसका एंड रिजल्ट होगा एक डिव का टैग मैं स्टार्ट करूंगा और कर्सर को सेंटर में प्लेस कर दूंगा और डिव का टैग एंड कर दूंगा। एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यही एंड रिजल्ट था। अब अगर आप चाहते हैं कि एक डिव का टैग आप स्टार्ट करें जिसमें कि आप कोई क्लास एड कर सकें, तो उसका तरीकाकार दो तरीकाकार है। एक तो आप कोई भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिव का टैग, कोई भी टैग ऐड करना चाहते हैं तो आप उस टैग का नाम लिखें और फिर डॉट लगा के, जैसे हम CSS में करते हैं डॉट फॉर क्लास, और अब जो भी क्लास का नाम आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि क्लास वन, और होपफुली आपने इससे गेस कर लिया होगा कि यहाँ पर एक तो इसका ऑटो कंप्लीट आ रहा है जो एंड रिजल्ट आएगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास वन लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं एक दफा और डॉट लगा के क्लास टू भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो क्लासेस ऐड करेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा या एंटर करूंगा तो ये एंड रिजल्ट आ गया। उसके अलावा अगर मैं बॉडी के टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉट क्लास लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट डिव के टैग को क्रिएट करेगा। ये इसका डिफॉल्ट है। ये बेसिकली कुछ डिफाइंड टैग हैं जो कि बॉडी के टैग के अंदर ये बाय डिफॉल्ट डिव के टैग को क्रिएट करता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोई और टैग डिफाइन ना करूं, सिर्फ डॉट लगा के क्लास का नाम लिख दूं या फिर हैश लगा के आईडी लिख दूं, जैसे हम CSS में लिखते हैं, बेसिकली डॉट उसके लिए होता है क्लास के लिए, हैश आईडी के लिए, और आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये एट्रीब्यूट के लिए होती है। यहाँ पे मैं कोई भी एट्रीब्यूट का नाम लिख सकता हूँ जिस तरह मैं लिखना चाहूँ और उसकी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल जिस तरह के हम CSS में करते हैं। और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। यहां पर मैं कुछ यूज केसेस डिफाइन कर देता हूं जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। हमने अभी तक देखा कि टैग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें क्लास कैसे ऐड कर सकते हैं, और फिर आईडी कैसे ऐड कर सकते हैं, और लास्टली एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको इनपुट एक टैग क्रिएट करके दिखाता हूं। मैंने लिखा इनपुट और ये सारे इमिट के एब्रीवेशन हैं। यहाँ पे मैं किसी के ऊपर भी आता हूं तो आप देख सकते हैं कि इमिट यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या देगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही ऐड करता हूं। और उसके बाद ये प्री डिफाइंड है कि अगर मैं यहाँ पर प्री डिफाइंड कॉलन बी पे आता हूं तो ये मुझे एक बटन क्रिएट करके देगा, लेकिन ये मैं खुद भी बना सकता हूं क्योंकि ये टाइप का एट्रीब्यूट है, बटन उसकी वैल्यू है। तो मैंने जैसे अभी बताया एट्रीब्यूट के लिए ब्रैकेट्स आएगी टाइप और उसकी वैल्यू जो है वो बटन, ये हो गया। और उसके बाद यहां पर मैं पहले देख लेता हूं, सॉरी इसको एंटर नहीं था मैंने करना, लेकिन कोई नहीं। यहां पर बी में उसने वैल्यू भी ऐड की हुई है तो उसके लिए मैं इसको रिमूव करूंगा और यहां पर पहले मैं इनपुट बी को यहां पे क्रिएट कर लूंगा ताकि मैं देख सकूं। और अब मैं इनपुट इसको मैं कस्टमली क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैंने इनपुट लिखा और ब्रैकेट्स के साथ टाइप इक्वल टू बटन, और एक और मैंने, जैसे कि मैंने क्लास ऐड करते वक्त मैंने क्या किया था, div डॉट क्लास वन, उसके बाद एक और क्लास चाहिए थी तो मैंने क्लास डॉट क्लास टू कर दिया था।
इसी तरह मुझे एक और एट्रीब्यूट चाहिए वैल्यू का, तो मैं फिर ब्रैकेट्स, ये पहली वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई है और एक नई ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, उसमें मैं लिख दूंगा वैल्यू और इक्वल टू दिस। और यहां पर मैं, क्योंकि ऑटो कंप्लीट खत्म हो गया, तो ऑटो कंप्लीट को फिर से एनेबल करने के लिए या विजिबल करने के लिए मैं एंड पे आ जाऊंगा, या कहीं पे भी बीच में रह के बेहतर है कि आप एंड पे आ जाएं, और ऑप्शन प्लस एस्केप ये मैंने दबाया तो ये मुझे बता रहा है कि ओके ये कमांड मुझे पता है, ये अमिट की कमांड है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है जो कि प्री डिफाइंड अमिट टेम्पलेट के साथ हमें मिलना था। नेक्स्ट, अब मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूं कि आप इसमें चाइल्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कि पेरेंट हमने ये तो देख लिया कि एक डिव कैसे बनती है, ये इस तरह बन गई, लेकिन इसके अंदर चाइल्ड मैं चाहता हूं कि एक डिव बने और उसके अंदर एक H1 बन जाए। तो उसका तरीकाकार ये कि आप जो भी पेरेंट का टैग है, अगर उसको कोई क्लास देनी है तो क्लास दे लें, अगर उसको कोई आईडी देनी है तो वो दे लें, कोई एट्रीब्यूट देना है तो वो असाइन कर लें। आपने एट्रीब्यूट सारा कुछ कर लिया, करूंगा तो ये एंड रिजल्ट आएगा, और आपने उसमें चाइल्ड देना है तो फिर जैसे CSS में चाइल्ड सिलेक्टर है वो ही यहां पर यूज होगा, ग्रेटर देन सिंबल। और अब जो चाइल्ड एलिमेंट आप चाहते हैं वो यहां पर ऐड करते हैं। अगर मैं फिर डॉट लगाऊंगा तो डिव के अंदर भी बाय डिफॉल्ट अगर डॉट लगा के, मीन के मैं अगर कोई HTML टैग स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये डिव को ही कंसिडर करेगा। मैं क्लास लगाता हूं, एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसने डिव का टैग बनाया। ये हर एक केस में बाय डिफॉल्ट डिव नहीं बनाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर अगर मैं UL बना के, अब जैसे कि HTML में स्टैंडर्ड है कि जब UL बनती है उसमें चाइल्ड LI होना चाहिए, तो अगर मैं यहां पे चाइल्ड सिलेक्टर लगा के डॉट कुछ भी रैंडम क्लास दे देता हूं, एंटर करूंगा तो इसने LI बनाया, डिव नहीं बनाया। तो ये इसको बेसिकली इतना पता है कि किस HTML टैग के अंदर कौन सा चाइल्ड हो सकता है। अगर कोई भी चाइल्ड किसी HTML टैग में, जैसे कि यहां पर अगर मैं फॉर्म करता हूं और उसमें चाइल्ड बनाने की कोशिश करता हूं समथिंग, तो ये डिव बनाएगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर कुछ भी आ सकता है, उसमें इनपुट भी आ सकता है, उसमें टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट, तो इसको नहीं पता अब आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो आप फॉर्म चाइल्ड डिसेंड चाइल्ड फॉर्म ग्रेटर देन सिंबल और फिर टैग का नाम लिखेंगे कि मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, सॉरी टेक्स्ट एरिया चाहिए और उस पर मुझे कोई आईडी चाहिए या नहीं चाहिए, और इस तरह एंटर करेंगे तो आपको ये बेसिकली वो कंप्लीट ऐड कर देगा। और ये जो कॉलम और रो है ये बेसिकली अमिट ने बाय डिफॉल्ट उसका स्टैंडर्ड है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये चाहिए ऐड करने चाहिए एक टेक्स्ट एरिया पे, उसने ऐड कर दी। इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं और यहां पर हमने देखा कि ये चाइल्ड कैसे ऐड करता है ग्रेटर देन सिंबल से। लेकिन ज्यादातर हमें सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड नहीं चाहिए होता, जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि डिव का एक टैग हो और उसमें 3 से 4 लेट सपोज 3 पैराग्राफ टैग हो, तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन सिंबल ऐड करूंगा चाइल्ड एलिमेंट पास करने के लिए, पी टैग ऐड कर दूंगा कि मैंने पी का टैग क्रिएट कराना है, और अब क्योंकि मुझे 3 पी के टैग चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 3 के साथ, और मेरा वो ऑटो कंप्लीट खत्म हो गया है, ऑप्शन प्लस एस्केप, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट वही है जो मुझे चाहिए। ओके, अब एक और यूज केस, यहां पर मैं मल्टीप्लाई के सिंबल भी ऐड कर देता हूं, ऐड मल्टीपल चाइल्ड्स। ओके, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड्स हो, यहां पे मैं बाय डिफॉल्ट डॉट डिव लगा के उसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं 4 के साथ, और फिर ऑटो कंप्लीट एनेबल करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट डिव्स भी बना देगा। तो यहां पर मल्टीपल नोड्स कह देते हैं, चाइल्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं कंटिन्यू आपको करके दिखाऊंगा, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं यहां पर, और नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है कि आप किसी टैग में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। कि मैं चाहता हूं कि मैं पैराग्राफ टैग बनाऊं जिसके अंदर टेक्स्ट हो, लेट्स सपोज ज़ायोंस की उसका नाम हो। ओके, तो उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले मैंने पैराग्राफ टैग बनाना है तो पी मैंने लिख दिया, कुछ आईडी असाइन करनी है तो डॉट के साथ हो जाएगी, कोई आईडी असाइन करनी है तो हैश के साथ हो जाएगी, कोई क्लास असाइन करनी है तो डॉट के साथ हो जाएगी, कोई एट्रीब्यूट असाइन करना है तो ब्रैकेट्स के साथ हो जाएगा, और अगर ज्यादा ये एलिमेंट्स चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर इसमें आपने टेक्स ऐड करना है तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है, और यहां पर जो भी टेक्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। ये हो गया, और यहां पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट सेम है।
मैंने एक मेन टैग के अंदर एक सब टैग ऐड करना है, तो वो मैंने ये ग्रेटर देन सिंबल के साथ करना है। मीन के पी टैग के अंदर मुझे डिव टैग चाहिए, तो मैंने पी टैग को लिखना है और फिर ग्रेटर देन सिंबल और फिर डिव टैग, इस तरह ऐड होगा। और मुझे अगर पी टैग के अंदर टेक्स्ट चाहिए तो मैं पी टैग और कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए, लेट्स सपोज एस एम एम ओ चाहिए, और एंटर करूंगा तो यहां पर वो एज अ टेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगा। ये हमने कवर कर लिया, एड टेक्स्ट वैल्यू। ओके, इसके लिए मल्टी ये सिंबल है और इसके लिए ये सिंबल है। एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास ये सिंबल है, आईडी के लिए हमारे पास हैश की सिंबल है, क्लास के लिए डॉट की सिंबल है, और टैग के लिए सिंपल टैग नेम है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कि हम स्ट्रक्चर को जरा कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि मैं एक डिव कैसे बना सकता हूं, उस डिव के अंदर मैं एक और डिव कैसे बना सकता हूं, उस सब डिव को मैं मल्टीप्लाई करके तीन के साथ तीन सब डिवें कैसे बना सकता हूं, और जो सब डिव्स हैं उनको मैं क्लास कैसे कोई असाइन कर सकता हूं, ये सारा कुछ हमने देख लिया। और ये देखें यहां पर ये सारा कुछ हमने देख लिया, यहां तक हो गया। एक केस आपके पास ये होगा कि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई वेरिएबल हो कि आपने ये तीन डिव्स ऐड कर दिए, जिसका मैं यूज केस आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने ये डिव ऐड की, इसको मैं कह देता हूं क्लास दे देता हूं प्रोडक्ट्स की, और इसको अब मैं सब क्लास दे देता हूं, इसको इस तरह सेलेक्ट कर देता हूं प्रोडक्ट। ये एक जेनेरिक क्लास देना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक सब क्लास भी देना चाहता हूं जो कि प्रोडक्ट 1, 2 और 3, इस तरह का स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं। तो ये अमिट के साथ किस तरह हम अचीव करेंगे, बहुत सिंपल है। डॉट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिव पे जाएगा तो मैं प्रोडक्ट्स लिखूंगा, मुझे तीन सब चाइल्ड चाहिए तो ग्रेटर देन सिंबल, और इसमें मैं सीधा डॉट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिव लेगा, तो डॉट प्रोडक्ट, ये वो क्लास आ गई जो मुझे डिफॉल्ट चाहिए थी, और फिर डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इस अब सेकेंड क्लास के साथ मुझे 1, 2, 3 चाहिए। तो हमारे पास अमिट के अंदर एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है डॉलर सिंबल। ये डॉलर सिंबल मैंने यहां पे लगा दिया, ये बेसिकली कह लें कि इसका लूप का वेरिएबल होगा, जो जिस टाइम इस पे लूप, और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने लूप कह दिया मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नंबर, जितने दफा मैं इस चीज को, इस एलिमेंट को क्रिएट करना चाहता हूं। मैं यहां पे 3 कह देता हूं और यहां पर ऑप्शन प्लस एस्केप दबाऊंगा, एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एंड रिजल्ट सेम आ गया। अगर मैं यहां पर रिजल्ट रिवर्स ऑर्डर में चाह रहा होता कि यहां पर पहले 3 आए फिर 2 आए और फिर 1 आए, तो ये भी अचीवेबल है, सिंपल सेम हम करेंगे, पहले प्रोडक्ट्स, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल डॉट प्रोडक्ट, और मैं अभी के लिए ये प्रोडक्ट की क्लास रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ मेन पे फोकस कर सकूं। यहां पर प्रोडक्ट और डॉलर सिंबल लूप के वेरिएबल के लिए मल्टीप्लाई करना है तीन दफा ताकि 3 क्रिएट हो जाए, और मुझे क्योंकि ये यहां पर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था इस तरह, तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका है अमिट के अंदर वो है कि डॉलर सिंबल के बाद आप एट की सिंबल लगाएं, और रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए आप नेगेटिव माइनस की सिंबल या हाइफन की सिंबल ऐड कर दें, और एंड पे आके मैं यहां पर एस्केप दबा के ऑटो कंप्लीट को मैंने खत्म किया है, और ऑप्शन एस्केप दबा के ऑटो कंप्लीट को री एनेबल किया, एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट वही है जो कि मुझे चाहिए, 3, 2, 1, सेव करता हूं ये। उसके अलावा अगर आप इस जो गिनती है इसको किसी स्पेशल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि 7, 8, 9 और 10, ये मेरे पास एंड रिजल्ट आया, तो ये भी अचीवेबल है। यहां पर डॉट, और अभी के लिए मैं इन क्लासेस को भी स्मॉल कर दूंगा ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। यहां पे मैंने पी कह दिया, ओके, पी एस ऊपर और नीचे, मैंने यहां पे पी एस कह दिया, ग्रेटर देन सिंबल डॉट पी, डॉलर सिंबल वेरिएबल के काउंट के लिए, एट सिंबल, ये बेसिकली कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए, कोई स्पेशल लॉजिक अप्लाई करने के लिए। लास्ट टाइम हमने यहां पे नेगेटिव का साइन ऐड किया था तो उसने रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग को स्टार्ट किया था। अगर मैं किसी स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस डिजिट को यहां पे मेंशन कर दूंगा कि इस डिजिट से स्टार्ट करो और मल्टीप्लाई बाई जितने भी एलिमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे 7 से लेकर 10 तक एलिमेंट चाहिए, तो मैं 4 एलिमेंट टोटल 7, 1, 2, 3, 4, ये हुआ।
ऑप्शन प्लस एस्केप अनेबल करने के लिए मिड की ऑटो कंप्लीट को एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट सेम। ये हमने स्टडी कर लिया कि हम ये कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और नंबरिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आगे मूव ऑन करने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के साथ नहीं चलता, ये कहीं पे भी काम करेगा। जैसे कि मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिखा देता हूं पीएस, और यहां पर मैं इसे कर देता हूं हाइफन समथिंग, और उसके साथ मैं डॉलर सिंबल लगा देता हूं कि यहां पर इसको लगा देना, उसके बाद चाइल्ड ग्रेटर देन सिंबल डॉट पी, यहां पर मैं फिर यही डॉलर सिंबल लगा देता हूं और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तीन के साथ, और इसमें मैं कंटेंट ऐड कर देता हूं जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि जायंस लिंक, और स्पेस देके मैंने यहां पर भी फिर डॉलर सिंबल ऐड कर दिया जो कि लूप के वेरिएबल को डिफाइन करती है, और यहां पर मैं ब्रैकेट्स में एक कस्टम एट्रीब्यूट भी दे देता हूं जायंस इंडेक्स इक्वल टू डॉलर सिंबल। मैं इसको ऑटो कंप्लीट करता हूं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये हर जगह पे एक ही साथ प्रॉपरली काम कर रहा है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि कस्टम एट्रीब्यूट्स में आईडीज में और कंटेंट में भी यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं इसको अब रिमूव कर दूंगा और यहां से ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर डॉलर सिंबल मैंने ऐड कर दी और यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, उसके लिए एट नेगेटिव एंड नंबर्स From specific digit, उसके लिए specific digit यहां पर हम लिख देंगे 9 लाख से। ओके नेक्स्ट, अब मैं आप कंटिन्यू करूंगा। हमने टैग नेम क्लास ये चीजें काफी अभी तक स्टडी कर ली लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अभी इतना नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक div हो, ओके उसके अंदर पैराग्राफ टैग हो, मैं ये करूं और उसके बाद इस पैराग्राफ टैग के साथ मेरे पास h2 हो तो ये कैसे अचीव होगा। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है। यहां पर मैं आता हूं div, उसमें चाइल्ड सिंबल मैंने ऐड की ग्रेटर देन सिंबल के साथ p, और क्योंकि इसके सबलिंग ऐड करना है तो होपफुली आपको याद होगा कि css में जो सबलिंग सिलेक्टर था वो था प्लस और यहां पर h2 एंटर करूंगा और आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट सेम है। तो जो प्लस सिंबल है वो सबलिंग ऐड करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहां पर मैं इसको ऐड कर देता हूं ऐड सिप सिप लिंक्स, ओके और प्लस सिंबल, और मैं अब इसको और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं वो इस तरह से कि इसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और मैं चाहता हूं पहले div ऐड हो, उसमें p टैग ऐड हो और उस p टैग के अंदर स्पैन टैग ऐड हो, जिस स्पैन टैग को मैं क्लास दू स्पैन वन की या एस वन की काम को छोटा रखने के लिए, और एक कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर दू जायंस और एसन, ये मैंने यहां पर ऐड कर दिया। यहां पर मैं कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर दू, यहां पर मैं टाइटल का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं मेन डिव, ओके और उसके बाद यहां पर मैं साथ में एक और डिव ऐड करूं जिसमें मैं h2 ऐड कर दूं, ओके और इस h2 में बेसिकली मैं कंटेंट ऐड कर दूं जायंस वेबसाइट लिंक, और इसके साथ ही मैं एक एंकर टैग ऐड कर दूं जो कि जिसका लिंक हो https://zions.com/by, ये इसका लिंक हो और इसका टेक्स्ट हो जायंस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको किस तरह अचीव करेंगे अमिट के साथ, काफी सिंपल है। टाइटल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने डिव को लेना है तो मैं डायरेक्टली टाइटल एट्रीब्यूट से स्टार्ट करूंगा। टाइटल इक्वल टू मेन कॉम स्पेस डिव, उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट में आना है तो मैं ये ऐड करूंगा चाइल्ड सिंबल जो ग्रेटर देन सिंबल है। पैराग्राफ टैग चाहिए मुझे और डायरेक्टली फिर उसके अंदर आ जाना है तो मैं पैराग्राफ टैग के अंदर आ गया, और यहां पर मुझे स्पैन चाहिए तो मैं यहां पर स्पैन ऐड कर देता हूं, लेकिन वहां पर बेसिकली मुझे क्लास भी चाहिए डॉट एस वन मैंने ऐड कर दिया, कस्टम एट्रीब्यूट चाहिए जायंस का वो ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू एसन होनी चाहिए वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट, अब बेसिकली मुझे यहां पर डिव p
पी टैग के साथ चाहिए। अगर मैं यहां पे प्लस ऐड करूंगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं कि यहां पर अगर प्लस ऐड करके बाकी पहले कंप्लीट कर लेता हूं, डिव चाहिए था, ये प्लस मतलब सबलिंक सिलेक्टर, जो सबलिंक को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रेफर कर रहा हूं कि ये सीएसएस में सबलिंक सिलेक्टर था, लेकिन यहां पर सबलिंक ऐड करने के लिए। तो नेक्स्ट मुझे डिव चाहिए, तो मैं यहां पर डिव लिखूंगा क्योंकि उसके साथ कोई क्लास या कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे टैग नेम लिखना पड़ेगा। अब उसमें मुझे एक H2 चाहिए, वो मैंने चाइल्ड सिंबल के साथ, ग्रेटर देन सिंबल के साथ H2 ऐड कर दिया। और उसमें मुझे टेक्स्ट चाहिए, ये वाला मैं कॉपी करके यहां पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं इसके साथ। और अब H2 के साथ मुझे सिबलिंक चाहिए A, तो मैं प्लस ऐड करके A, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर A ऐड कर लेता हूं। और उसमें मुझे एट्रीब्यूट चाहिए HREF, जिसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को और एट्रीब्यूट ऐड कर लेता हूँ HREF, और इसको स्केप करा के यहां पर ये ऐड कर देता हूं। और उसमें मुझे टेक्स्ट चाहिए Zions, यहां पर ये कर दिया। अब एंटर करने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्लस एस्केप दबा के एंड पे, लाइन के एंड पे आके ऑप्शन प्लस एस्केप दबाएं, तो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहली बार ठीक है, पी टैग ठीक है, स्पैन टैग तक ठीक है, लेकिन बाद में ये काम खराब है, क्योंकि बाद में इसने क्या किया है कि जो डिव टैग था वो स्पैन के साथ ऐड कर दिया है। और यही चीज मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आपने जो प्लस ऐड किया वो स्पैन के एलिमेंट के साथ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो प्लस है ये पी के साथ हो। ओके, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको यहां से उठाऊं और यहां पर मूव कर दूं, ये काम नहीं करेगा। मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ही खराब हो गया, क्योंकि अब जो स्पैन है वो यहां पर आ गया ए टैग के अंदर, जो कि बिल्कुल ही गलत स्ट्रक्चर है। मैं इसको रिवर्ट करूंगा कंट्रोल जी। अब मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि ये प्लस मैंने इस पी के साथ एंगेज करवाना है, तो मैं चाहता हूं कि ये सारा हिस्सा एक ब्लॉक बन जाए और ये बाकी जो सारा हिस्सा है ये दूसरे ब्लॉक की तरह कंसिडर हो, ताकि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के सबलिंग माने जाए। उसके लिए जो एमिटर ने हमें शॉर्टकट दिया है, उसके लिए जो अमित ने हमें ऑप्शन दिया है वो है पैरेंथेसिस का, मीन के मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा जो एलिमेंट पी से स्टार्ट हुई बात और जहां तक के पी के चाइल्ड्स खत्म हो जाते हैं, उन सबको मैं रैप कर दूंगा पैरेंथेसिस में, और उसके बाद ये बेसिकली एक ब्लॉक माना जाएगा। और प्लस लगाने का मतलब है कि ये जो नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है ये इस ब्लॉक का सिबलिंग है, इस ब्लॉक में जो भी काम हो रहा है वो वैलिड है। और इस सब को भी मैं अब चाहूं तो मैं इसको ब्लॉक में रैप करूं या ना करूं, दोनों केसेस में ओके है, क्योंकि मुझे इसके बाद कोई और डिव के साथ सिबलिंग नहीं था चाहिए। मैं यहां पर एंड पे आके ऑप्शन प्लस एस्केप दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है जो कि मुझे ऊपर चाहिए। लेकिन मैं यहां पर गुड प्रैक्टिस फॉलो करते हुए एमिट के शॉर्टकट को फिर रीनेबल करूंगा ऑप्शन प्लस एस्केप और एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एंड रिजल्ट आया वो बिल्कुल सेम है जो कि मुझे ऊपर चाहिए था। यहां पर मैं इसको ऐड कर दूंगा कि हमने क्या स्टडी किया, रैप लॉजिक इन ब्लॉक, और इसको हम कह सकते हैं क्रिएट ब्लॉक टू ऐड सिप लिंक्स एट हायर लेवल। ओके, जो कि हमारा यूज केस था, उसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक यूज केस रह गया है, हमें अभी तक ये पता है कि हमने डाउनवर्ड कैसे मूव करना है, मीन के यहां पे डिव लगा के अगर मैंने इसके अंदर एक चाइल्ड इंसर्ट करना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है कि चाइल्ड सिंबल जो डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर सीएसएस में है, जिसकी सिंबल है ग्रेटर देन सिंबल, उसको यूज करते हुए मैं एक स्टेप डाउनवर्ड मूव कर सकता हूं, और मैं यहां पर कुछ भी जो भी टैग इंसर्ट करना चाहता हूं वो काम कर लेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं एक डिव क्रिएट करूं और H2 क्रिएट करूं, या इसमें भी एक डिव क्रिएट करूं उसमें H2 क्रिएट करूं, और अब मैं एक स्टेप अपवर्ड मूव करूं, मीन के यहां पे है तो मैं बाहर आके यहां पर मेरा कर्सर आ जाए, ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। और फिर इसके साथ मैं यहां पर एक और डिव क्रिएट करके उसमें एच थ्री क्रिएट कर दूं, नो डाउट हम इसे इस ग्रुप टैगिंग के साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को अब दूसरी तरह करके आपको दिखाऊंगा, यहां पे मैं इसे क्लोज करूंगा
और मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले टाइटल का एट्रीब्यूट आ जाएगा और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेन डिव आ जाएगी। उसके बाद मैंने मुझे उसमें एक पैराग्राफ टैग चाहिए, उसमें मुझे स्पैन कट एलिमेंट चाहिए और उसकी जो क्लास है वो है एस वन और उसमें एट्रीब्यूट लगा हुआ है जायोन्स का जिसकी के वैल्यू है एसन। अब क्योंकि मैंने एक स्टेप अपवर्ड मूव करना है तो उसका अमिट में तरीका है एक्सपोनेंट सिंबल जो कि आप इंसर्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस सिक्स ये प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोनेंट सिंबल यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहां पे इसको जूम इन कर लेता हूं और इसे क्लोज कर लेता हूं ताकि आप ये सिंबल इजीली देख सकें। ये एक्सपोनेंट सिंबल यहां पे ऐड करनी है। मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि हमारा कोड हमें इजीली नजर आए और उसे भी इनेबल कर लेता हूं साइड बार को। जो साइड बार मैं अनेबल और डिसेबल कर रहा हूं उसकी शॉर्टकट की है कमांड प्लस डी। अभी मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। मैंने यहां पर ये सिंबल यूज की है, अभी मैं कंटिन्यू करता हूं, मैंने यहां पर ये सिंबल यूज किया एक्सपोनेंट की, तो इससे क्या हुआ है कि ये एक स्टेप अपवर्ड मूव हुआ है और पी टैग के साथ आके कर्सर को उसने छोड़ दिया है। यहां पर अगर मैं ऑप्शन प्लस एस्केप दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो एंड रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का है। अब यहां पर मुझे क्योंकि एक डिव चाहिए पी टैग के साथ तो मैं यहां पर डिव लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जो डिव इंसर्ट हो रही है वो पी टैग के साथ इंसर्ट हो रही है। अगर मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ ये हटा देता हूं और प्लस का सिंबल लगाता हूं और यहां पर री इनेबल करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो डिव है वो स्पैन के साथ इंसर्ट हो रही है। मैंने यहां पर प्लस की जगह एक्सपोनेंट की सिंबल लगाई कि एक स्टेप अपवर्ड मूव करो और फिर मैंने इसको कॉल किया री इनेबल किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है जो कि हमने पहले पैरेंथेसिस को यूज करते हुए अचीव किया था। अब मैंने इसके अंदर एक एच टू मुझे चाहिए तो मैं ग्रेटर देन सिंबल एच टू और उसमें मुझे टेक्स्ट ये चाहिए, मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हुए उसका जो टेक्स्ट है वो ऐड कर दूंगा। और अब मुझे इसके सबलिंग में चाहिए एक एंकर टैग तो मैं प्लस की सिंबल ऐड करूंगा ए और उसका मुझे एट्रीब्यूट चाहिए एच आर ई एफ जिसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। मैं एट्रीब्यूट ऐड करूंगा एच आर ई एफ इक्वल टू दिस और लास्टली मुझे उसमें टेक्स्ट चाहिए जायोन्स, वो मैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ऐड कर दूंगा। ये हो गया। अब इसको ऑप्शन प्लस एस्केप दबा के इनेबल करता हूं तो आप देखते हैं कि एंड रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ऊपर अचीव किया है। यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। यहां पर बेसिकली मैंने एसन नहीं था ऐड किया तो वो यहां पर ऐड नहीं हुआ, ये मैं यहां पर एसन ऐड कर देता हूं, वो मैं वहां पर भूल गया और अब आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम है। और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं मूव वन स्टेप अप, उसके लिए हमारे पास सिंबल है एक्सपोनेंट की। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं अमिट के, इसके अलावा भी हमारे पास अमिट के काफी और शॉर्टकट्स हैं जो कि आप कमांड प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाकर यहां पर ये आपके पास कमांड पैलेट ओपन हो गया। इसका एक और तरीका ओपन करने का ये है कि आप यहां पर व्यू पे क्लिक करें और यहां पर ये कमांड पैलेट लिखा हुआ है, ये आगे इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें ये फिर वही सेम चीज ओपन हुई है और यहां पर अमिट लिखकर सर्च करें ए डबल एम ई टी, ये सारी कमांड्स हमारे पास अमिट की अवेलेबल है। मैंने आपको यहां पर जो मोस्ट यूजफुल कमांड्स हैं वो यहां पर डिटेल में शो करती हैं। होपफुली आप इसको यूज करते हुए अपनी एचटीएमएल राइटिंग की स्पीड को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने अमिट को डिटेल में स्टडी किया और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इमिट के साथ काफी इजीली बनाया। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।